श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता साहब राम की खास रिपोर्ट। अगर आप अलौकिक और दिल को सुकून देने वाला नज़ारा देखना चाहते हैं तो 10 नवंबर को पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद में हाजिरी जरूर लगाएं। यहां इस दिन जात पात, अमीरी गरीबी से फपर उठकर जरूरतमंद परिवारों की 31 बेटियों को सामूहिक विवाह के बाद उनके पिया संग विदा किया जाएगा। सेवा समिति के महामंत्री व गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने बताया कि इस आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने वाली बेटियों को घरेलू सामान के साथ ससुराल पक्ष को भी सूट कपड़े इत्यादि दिए जाएंगे। इसके अलावा करीब 1-1 लाख कीमत के लहंगे सेट भी बेटियों को उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। साथ ही नवविवाहित जोड़ों का 5-5 लाख रुपए का बीमा भी होगा, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य संबंधी क्लेम भी मिलेगा। शाही अंदाज में होने वाले इस सामूहिक विवाह समारोह में व्यवस्थाएं बनाने के लिए सेवादारों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। चौधरी साहब नरेंद्र चौधरी जी, दुर्गा मंदिर मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष, अंग्रेज सिंह जी जो प्रेसिडेंट है सुखना सेवा सोसाइटी के, हिमांशु वर्मा जी धर्मपाल के जारी नेतृत्व तो, और बंसल जी सत्ता अरोड़ा की सोनिया सत्ता अरोड़ा जी जो लाइन विकास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जी जो इतने अपने कोचिंग करते बच्चे हैं सिंह जी के उदेश पंछी हमेशा एक प्रयास रहता है कि एक अजिहा फिजा बनाई जाए, अजि बोल सकते जाए जितने गुरबंध सम्मान है कि सभ्य सांझी वाल सदाएं तो कोई ना दिसे बारह जी देश की खबर होंगी उजागर उस दिन मन से बड़ी घटना होंगी है, मन च बड़ा एक चिंता होंगी है कि हालात किहो जे बंदे जा रहे लगातार कल पिछले बारह देखा तुम्हें सो साडा हमेशा प्रयास होंगे कि मन की जा सभ एक पहचान वो तहत ये सारे आयोजन होते हैं ताकि साडा गुरुआ पीर पैगंबर जोड़ी साड़ी सांझ जुड़ी आई है प्यार जुड़े आ रहा है उसकी भी तौर पर बनया रहे। इस करके ये जो कार्य रखे गए हैं 10 तरीक न 31 कुड़ियों के विह रखे गए हैं, ये बड़ा विलखण नज़ारा तो हर बार वेखा ही है, ये गुरबाणी के गीत चलते हैं, शब्द चलते हैं, नाल ही वैदिक मंत्रोच्चरण चलते होंगे, ये दोनों की सुमेलता है जी। ये सुमेलता वो माहौल सिरजती है जिस माहौल वास्ते असी लोग दसते हैं। इस करके गंगानगर का सारा शहर देख रहे हो कि एक गुलदस्ता है, इतने कोई एक फिरके लोग नहीं गए, ये गुलदस्ते की जिहड़ी महक है ये महक का सिट्टा है कि असी एक अजिहा समागम कर रहे अच्छा प्रयास किया कि बच्चियां अपनी घर की बच्चियां समझ के उन्होंने काज करिए। इस बार ही पदम बंसल जी ने बड़ा वाला उपराला किया, तो जिस तरह तुम पता भी साढ़े ना एक सिखा च एक गुरपता पास होया कि लड़कियां लहंगा नहीं पाउंदियां विआह क्योंकि लहंगे होंगे 20-25 किलो जो पा के बड़ी कंफर्टेबल होंगे ना परिक्रमा कर सकती हैं, फिर दो तो सारी लहंगा फटते शहर तो कि वो सारा ध्यान लहंगे चलता कि लहंगा सही रहेगा, फिर करता सिंपल सूट पाओ तो वह विह लखा लखा रुपए के जो लहंगे तैयार होते जो गुरपता बनया एक उप लहंगे सारे पे रह गए। फिर परम पंच ने क्या दसिया पाप भट्टी ने गल हुई कि सुनिया वार्ड से बैठे है कि आप लहंगे पे अपने को सारे आप करके बच्चे लहंगे थे, सो कोई लहंगा 1 लाख रुपए का, कोई 1.5-2 लाख के लहंगे है, कोई 50,000 है, वो लहंगे भी सारे असं 31,000 किए हैं बच्चे दिन चलो सही यूज हो जाए कि उन्होंने लगे भी आपके हर एक चीज़ बनी है। बाकी जिन्ना सारा समान है सर एक बेनती करना एक भी समान साढ़े वालों नहीं करना, ये सारा समान सारिया जिमें सेंट्रल मार्केट है साढ़े गंगा सिंह एसोसीएशन बैठी है दुर्गा मंदिर मार्केट से बैठी है ये सब ने समान इकट्ठा किया, वो जो सारा जो गिफ्ट है इकट्ठे का बच्चे दे रहे हैं ताकि बड़ी शर्म शौकत नाल बच्चियां अपना घर विदा हो प्रयास कर रही हैं भी चलो 2-4-6 महीने का आप राशन भी बच्चों देिए कि पहला तो घट्ट विह तो बाद जो है 2-4-6 महीने तो उन्हें सौखे मजबूत कर सकते हैं।